राजस्थान विधानसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है, लिहाजा इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मेन पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी है। हालांकि राजस्थान चुनाव में इस बार सस्पेंस पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री फेस पर अभी अपने पत्ते नहीं खोले, तो वहीं बीजेपी भी ऐसा ही कुछ दाव लगा रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के फेसलेस होने की रणनीति ने सभी को सस्पेंस में डाल दिया, वो भी तब जब दोनों ही पार्टियों के पास मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के चेहरे मौजूद हैं। मामले में कांग्रेस का कहना है कि पार्टी में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री घोषित करने की परंपरा नहीं है, जबकि मामले में बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में सियासी जानकारों का कहना है कि दोनों ही पार्टियां मुख्यमंत्री फेस को लेकर अपनी सुविधा के मुताबिक पत्ते खोल रही है। उधर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के फेसलेस होने की रणनीति ने पार्टी कार्यकर्ताओं को भ्रमित कर दिया। जहां कांग्रेस नेता असमंजस में है कि उन्हें किस खेमे में जाना चाहिए, वहीं जमीनी स्तर के कार्यकर्ता में भ्रम और भी ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिला पीसीसी कार्यालयों में प्रमुख पद खाली पड़े हैं। ऐसी दुर्दशा बीजेपी की है, जहां नेताओं का झुकाव विशेष खेमों की ओर है और इसलिए पार्टी एकजुट चेहरा पेश करने में विफल रही है। हाल ही में कोटा में वसुंधरा राजे के वफादार प्रहलाद गुंजल की ओर से बुलाई गई रैली में पार्टी के दिग्गज नेता नजर नहीं आए। वहीं बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में भी यही स्थिति देखने को मिली, जब राजे अनुपस्थित रहीं, जबकि अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।